हेलो बच्चों, और उनके पास एक थोड़ा सा ओमेगा आ जाता है। उनके पास एक थोड़ा सा क्या होता है, ओमेगा आ गया है। चक्कर आ गए, जरा प्रैक्टिस करेंगे चक्कर आ जाएंगे। छोटी बहन को बोला कि भैया मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मुझे घुमा दो, धीरे घुमाए, कहीं भाई आपसे बदला ले ले। भैया इसको तो आज शक्तिमान बना के छोड़ेंगे हम। सब प्रॉब्लम्स के ताले को खोलने की बेटा एक की है। कौन सी की है बेटा, कौन सी की है? उस की का नाम है तन्नू की। हेलो बच्चों, बच्चों आज हमें पढ़ना है रोटेशन का लेक्चर नंबर 8, और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। आज का जो लेक्चर है ये बेटा आपके रोटेशन का फिनाले है। आज आपका रोटेशन हो जाएगा खत्म, और इस लास्ट लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक की हमें करनी है बात, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल लॉ है, ठीक है? और देखते हैं इसके बारे में। इससे पहले कि हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो मैं आपको बता दूं लेक्चर नंबर 7 में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बता दिया था। तो उस लेक्चर को आप डिटेल में देख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन की बारीकियां जानने के लिए। तो एक छोटा सा रिवीजन करेंगे सबसे पहले हम, ताकि सारे केसेस आपके दिमाग में हो, क्योंकि कंजर्वेशन करनी है तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल दोनों लिखना तो पड़ेगा ना। तो आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए। तो बेटा ये था आपके पास एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन। मैंने लास्ट लेक्चर में जाते जाते आपको पूरा माइंड मैप बना के दिया था एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन के ऊपर। तो मैंने कहा था कि अगर आपके पास पार्टिकल होगा तो उसका एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको उसकी वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड करना है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम आर परपेंडिकुलर इनटू वी। वेलोसिटी अगर किसी पॉइंट से गुजर रही होगी तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा जीरो। एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए वेलोसिटी की लाइन और एक्सिस आपस में होने चाहिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और अगर ये केस रहेगा तो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर अगेन। बट यहां पे r परपेंडिकुलर आपको एक्सिस से देखना होगा। वेलोसिटी अगर एक्सिस के पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, दोनों ही केसेस में एंगुलर मोमेंटम आएगा शून्य, ठीक है? और अगर वो स्क्यू लाइन है, मतलब ना ही तो पैरेलल है नॉर इंटरसेक्टिंग है, तब जाकर आपको एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट देखने को मिलेगा। लेकिन रोटेशन के अंदर पार्टिकल से ज्यादा जो केसेस आपको फेस करने पड़ते हैं तो बेटा वो होते हैं रिजिड बॉडी के। तो रिजिड बॉडी के अंदर आपके पास 3 केसेस थे बेटा, प्योर ट्रांसलेशन का, प्योर रोटेशन का, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का। प्योर ट्रांसलेशन वाले केस के अंदर आपके पास बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी को एक्सटेंड करके उस पे परपेंडिकुलर डालना होगा। इसको एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे जो कि सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ होगा। ऐसे में एंगुलर मोमेंटम आ जाता है एम आर सी एम परपेंडिकुलर इंटू वी सी एम, एम इंटू आर सी एम परपेंडिकुलर इंटू वी सी एम। अगर बात करें प्योर रोटेशन की, तो प्योर रोटेशन में आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे। आप इस एक्सिस के अबाउट जब रोटेट कराएंगे तो क्या आंसर मिलने वाला है बेटा आपको, आपको मिलेगा आई रोटेशन इंटू ओमेगा, आपको मिलेगा आई रोटेशन इंटू ओमेगा। बिल्कुल सिंपल सा यह है प्योर रोटेशन। जब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन के लिए एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम लगाना होगा, और रोटेशन के लिए आई सी एम ओमेगा लगाना होगा। तो बेटा इस तरीके से हम करते हैं कैलकुलेशन। सारे फॉर्मूले आपके सामने आ गए हैं, मैं 2 मिनट के लिए आपके सामने से हट जाता हूं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके फटाफट कॉपी पे उतार लीजिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल आज के लेक्चर में भरपूर होने वाला है। और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 7 एंगुलर मोमेंटम, जिसके अंदर आपको पढ़ाया गया था, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा बेटा, प्लेलिस्ट में जाकर आप रोटेशन में जाएंगे, रोटेशन में जाकर आपको लेक्चर नंबर 7 मिल जाएगा। पूरी डिटेल में आपके सामने चीजें रख दी गई थी। अब आइए बात करते हैं हम आगे, और बात करते हैं यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है बेटा?
तो अगर मोमेंटम की आपको कंजर्वेशन करनी है तो हमें सबसे पहले सोचना होगा कि लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन का क्या रूल था। तो हमने कहा कि लीनियर मोमेंटम किसी सिस्टम का तब कंजर्व होता है जब उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता। जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब लीनियर मोमेंटम हो जाता है कंजर्व। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगना चाहिए। तो हमारे पास एक रिलेशन था बेटा फोर्स और मोमेंटम के बीच में, वही रिलेशन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा उसी रिलेशन की हम करते हैं चर्चा। आइए करेंगे हम चाय पे बात। आ जाओ। तो मन की बात हमारी कह रही है कि हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन द टॉर्क, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ये निकालना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अच्छा जी। तो बेटा फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डीटी। तो फोर्स की जगह पे बेटा क्या मिलेगा आपको, टॉर्क मिलेगा और पी की जगह पर आपको बेटा एल मिल जाएगा। तो टाउ इक्वल्स टू डीएल बाई डीटी। दैट मींस टॉर्क क्या करता है, टॉर्क क्या करता है, टॉर्क एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है। टॉर्क क्या करता है बेटा, टॉर्क एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है। रिमेंबर दिस। फोर्स क्या करता है बेटा, फोर्स लीनियर मोमेंटम को चेंज करता है। तो टॉर्क क्या करता है, एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है। अच्छा अब मुझे बताइए, अगर किसी सिस्टम पे टॉर्क नहीं होगा, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा, किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाएगा, इंटरनल टॉर्क चेंज नहीं कर पाएगा, इंटरनल फोर्स भी चेंज नहीं कर पाएगा। ये कौन से टॉर्क होते हैं बेटा, ये एक्सटर्नल टॉर्क होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क होते हैं। इंटरनल से मतलब नहीं होता है हमको, ठीक है। इंटरनल तो अगर एक का एंगुलर मोमेंटम एक डायरेक्शन में बढ़ाएगा तो दूसरे वाले का दूसरी डायरेक्शन में बढ़ाकर उसको बैलेंस आउट कर देगा, नेट एंगुलर मोमेंटम जो है बेटा वो जो है कॉन्स्टेंट बना रहेगा उसके से, ठीक है। अगर आपको एक सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, आपको करना पड़ेगा टॉर्क, वो भी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होगा, टाउ एक्सटर्नल जीरो हो गया, तो आप कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम क्या होगा बेटा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर अगर टाउ नेट एक्सटर्नल जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बेटा क्या होगा, कॉन्स्टेंट। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। चलो तो ये रिजल्ट आपके सामने आ रहा है बहुत बढ़िया से, ये रिजल्ट आपके सामने आ रहा है बहुत बढ़िया से। तो टॉर्क एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है, टॉर्क नहीं तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, चेंज नहीं होगा, मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल सबसे पहले बेटा हम समझने की यहां पर करेंगे कोशिश, ठीक है। और इस बात को हम सबसे पहले यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में लिख लेते हैं, दैट इन एब्सेंस एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड एंड यू कैन से दैट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम। लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट अलग अलग होता है। तो अगर आप पूरे सिस्टम में कोई भी एक ऐसा पॉइंट ढूंढ पा रहे हैं जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं है, तो उस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं।
ये एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है और ये हर लेवल पे ट्रू होता है, चाहे आप एटॉमिक लेवल पे क्यों ना उतर जाए, वहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फेल नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आइए अब आपके सामने कुछ केसेस हैं। पहला केस है आपका आइस स्केटिंग का या आइस डांसिंग का। तो यहां पर एक सुंदर कन्या डांस कर रही है आइस पर, ठीक है ना, और ये घूम रही है बेटा, घूम रही है। अब आपको पता है कि जो आइस होती है ना, आइस बहुत ही स्लिपरी होती है, उस पर चलना ही बहुत मुश्किल होता है, और उसके ऊपर से आपने क्या करा, स्केट्स पहन ली, तो बिल्कुल एकदम लगभग फ्रिक्शनलेस टाइप का ग्राउंड हो गया, बहुत हल्का सा फ्रिक्शन उसमें रहता है, ठीक है। तो ऐसे में जो ये डांसर है वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट डांसिंग विद देयर आर्म्स ओपन, दे स्टार्ट डांसिंग विद देयर आर्म्स ओपन, वो कुछ इस तरीके से घूमना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो जब वो इस तरीके से घूमना शुरू करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो उनको जमीन के थोड़े से फ्रिक्शन से एक थोड़ा सा टॉर्क मिलता है और उनके पास एक थोड़ा सा ओमेगा आ जाता है, उनके पास थोड़ा सा क्या होता है, ओमेगा आ जाता है, चक्कर आ गए, जरा प्रैक्टिस करेंगे चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है, एक ओमेगा आ जाता है, ठीक है। तो अगर इनके पास एक ओमेगा आ गया और उनके हैंड्स क्या है बेटा, ओपन है, ठीक है, तो अभी क्या है बेटा, इनके पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, जो इनके पास अभी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है लार्ज है और ओमेगा जो है बेटा स्मॉल है, ठीक है। ओमेगा स्मॉल क्यों है, ओमेगा स्मॉल इसलिए है क्योंकि जमीन से इनको कोई बहुत बड़ा टॉर्क नहीं मिल पा रहा है ओमेगा को जनरेट करने के लिए, तो एक छोटा ओमेगा आया, ये हल्के से घूम रहे हैं। और आई ज्यादा क्यों है इनके पास, क्योंकि इनके हाथ खुले हुए हैं, इनके हाथ खुले हुए हैं, तो जितना भी मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा, जब मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होता है ना, तब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, ठीक ना। तो इस वक्त इस सुंदर कन्या का हाथ एकदम ऐसे ओपन है और इनका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो बेटा ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, और ओमेगा क्या है बेटा, स्मॉल है। अब इसको अपना ओमेगा इंक्रीज करना है, लेकिन जमीन से कोई बहुत ज्यादा उसको टॉर्क मिल नहीं रहा। अब अगर टॉर्क नहीं मिल रहा तो उसका एंगुलर मोमेंटम लगभग कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो, बच्चे को यह लगता है, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चों को यह लगता है कि टॉर्क ओमेगा को चेंज करता है, बच्चों को यह लगता है कि टॉर्क ओमेगा को चेंज करता है, बट वास्तव में टॉर्क ओमेगा को नहीं, एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है। जो रिजिड बॉडीज होती हैं, ठीक है ना, उनके लिए तो एक ही बात हो जाती है, कोई बहुत लंबा थोड़ा उसमें डिफरेंस नहीं है, है पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो वहां पर आना चाहिए, लेट मी टेक दैट स्टेटमेंट बैक। लेकिन जो बॉडीज रिजिड नहीं है, जो अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं, उनके लिए तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है, उनके लिए तो आप ये डिफरेंस बहुत एविडेंटली देख सकते हो, ठीक ना। क्या डिफरेंस देख सकते हो, तो मैंने यहां पर कहा कि जो टॉर्क होता है वो ओमेगा को चेंज नहीं करता, वो एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है। और अगर हम इसकी रोटेशनल एक्सिस देखें तो बेटा ये इसकी रोटेशनल एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, और ये बेटा एक तरीके का प्योर रोटेशन है, एक तरीके का प्योर रोटेशन है। तो बेटा अगर हम वापस आते हैं हमारे माइंड मैप पे, तो आपको दिखेगा कि प्योर रोटेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा, आई इंटू ओमेगा। प्योर रोटेशन का फॉर्मूला आई इंटू ओमेगा। तो अगर बेटा हम यहां पर आई इंटू ओमेगा का जिक्र करें, तो एंगुलर मोमेंटम को बदलने के दो रास्ते, एंगुलर मोमेंटम को बदलने के बेटा दो रास्ते हैं। एंगुलर मोमेंटम को हम आई बदल कर भी बदल सकते हैं और ओमेगा को चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन टॉर्क तो है नहीं, टॉर्क तो है नहीं। अगर टॉर्क यहां पर नहीं है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो अगर आई डिक्रीज करेगा तो ओमेगा को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आई डिक्रीज करेगा बेटा तो ओमेगा को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या ये सुंदर कन्या अपना, क्या ये सुंदर कन्या अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर सकती है, कर सकती है कि नहीं कर सकती, तो यस She can change her movement of inertia by folding her arms, ठीक है ना। तो अगर ये लड़की जो है अपनी arms को इस तरीके से fold कर लेती है, तो क्या होगा, जो mass है वो axis के नजदीक आ जाएगा, और जैसे ही mass axis के नजदीक आएगा ना, उसका जो घूमने का रफ्तार है ना वो बढ़ जाएगा, और वो खर्र घूमना शुरू कर देगी, शक्ति मान के घूमना शुरू कर देगी, ठीक है ना, ऐसे खर्र घूमना शुरू कर देगी, ठीक है, अरे बस समझ में आपको। तो ये लड़की क्या होगी, शक्तिमान बन जाएगी लड़की, ठीक है। तो अब ऐसा करिए, जब जैसे इसने हाथ फोल्ड किए, इसने तेजी से घूमना शुरू कर दिया, और क्या हो गया यहां पर बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया और ओमेगा क्या है इसका बढ़ गया,
आई कम हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। आ रही है बेटा एकदम से बढ़िया से फील फिजिक्स की कि यहां पर क्या हो रहा है, किस तरीके से आई कम ओमेगा बढ़ रहा है बिना टॉर्क के। मान लेते जमीन लगभग स्मूथ है, ठीक है, तो टॉर्क तो मिल नहीं रहा है इसको, फिर भी ओमेगा बढ़ गया, फिर भी ओमेगा बढ़ गया बिना टॉर्क के, ओमेगा बढ़ गया बिकॉज आई जो है घट गया, आई जो है घट गया। तो टॉर्क ही केवल ओमेगा चेंज करेगा ऐसा नहीं है, बिना टॉर्क के भी ओमेगा बदल सकता है। आई को चेंज करके आप ओमेगा को चेंज कर सकते हो बिना टॉर्क के, बिना टॉर्क के। आइए आगे बात करते हैं। उसी तरीके से बड़ा ये एग्जांपल भी है, अक्सर अगर आप एक चेयर में बैठकर घूम रहे हो, अगर आप एक चेयर में बैठकर घूम रहे हो, डंबल्स आपने पकड़े हुए हैं, ठीक है ना, अगर आपके घर में चेयर है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश कर सकते हो। अपने किसी छोटे भाई या बहन को बोलो कि आपको एक बार चेयर पकड़ घुमा दे, ठीक है ना, आपके हाथ इस तरीके से बाहर की तरफ खुले हुए हैं, आप घूम रहे हो, उस समय थोड़ा हल्के से घुमाए, ठीक है ना, अब आप घूम रहे हो हल्के 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 घूम रहे हो, और आपने जैसे ही इन डंबल्स को पकड़ लिया, आपको अपने अपने चेस्ट के पास ले आए, अब आप तेजी से घूमना शुरू कर दोगे। आ रहा समझ में? जब डंबल्स दूर हैं तो आप धीरे घूमोगे, जब डंबल्स पास आ जाएंगे तो आप तेजी से घूमना शुरू करो। डंबल्स या किताब पकड़ लो आपके हाथ में, डंबल्स नहीं है आपके पास तो, ठीक है ना, एक हाथ में आप एससी वर्मा पकड़ लो, एक हाथ में आप हेल्डे रेसनिक पकड़ लो, ठीक है ना, दोनों भारी भरकम बुक्स आपने पकड़ी हुई है, ठीक है ना, और आपने अपने भाई या छोटी बहन को बोला कि भैया मैं कुर्सी पर बैठा हूं मुझे घुमा दो, धीरे घुमाए, कहीं भाई आपसे बदला ले ले, भैया इसको तो आज शक्तिमान बना के छोड़ेंगे हम, ठीक है ना, उसने घुमा दिया, आप हल्के से घूम रहे हो, और किताबों को अगर आप पास लेकर आओगे तो यू विल फील योरसेल्फ कि आपका ओमेगा इंक्रीज हो, ठीक है ना। वापस से डिक्रीज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जैसे आप वापस से आते हैं इस पर, अगर आपने देखा होगा कि जो आइस स्केटिंग वाले जितने भी ऐसे ये होते हैं, इनका जो आखिरी स्टेप होता है ना वो यही होता है, शाहरुख खान स्टेप, ठीक है ना, इस तरीके से वो है अपना लास्ट पोज देते हैं, ऐसे करेंगे लास्ट पोज खत्म खत्म, ठीक है ना। तो ऐसा क्या होता है कि एक कुछ लोग तो टांग उठाते थे, लो ये टांग उठा ली, अभी दिखने रहे टांग आपको उठाई थी मैंने, ठीक है, कह रहे मतलब ये है कि आखिरी जो इनका स्टेप है रुकने के लिए क्या कर रहे हैं, सबके सब रुकने के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, शाहरुख खान पोज बना रहे हैं, ठीक है ना, तो रुकने के लिए यही स्टेप क्यों, क्योंकि जैसे ही आप वापस से अपनी आर्म्स को फैला रहे हो तो क्या हो रहा है, आपकी आर्म्स जैसे ही आपने फैला दी तो आपका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है बढ़ गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, ओमेगा वापस से डिक्रीज हो गया। तो रुकने के लिए आपको ओमेगा कम करना है, और ओमेगा कम करने के लिए कुछ नहीं करना, वही करना है ओमेगा कम, ठीक है ना, और आप रुक जाओगे, ठीक है बेटा। तो अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा, अगर स्विमिंग पूल में जंप करना है, और जंप आपको सिंपल जंप नहीं करना है, आपको हवा में दो तीन चक्कर भी लगाने हैं, आपको हवा में दो तीन चक्कर भी लगाने हैं, ठीक है ना। तो यह महिला कूदी यहां से, ठीक है ना, और जब कूदी हवा में जा रही है, ठीक है, अब वो हवा में चक्कर लगाना चाहती है, यहां पर आकर अपने ओमेगा को बेटा इंक्रीज करना चाहती है और चक्कर लगाना चाहती है। तो यहां पर जो प्लेटफॉर्म होता है बेटा, वो फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर ये खड़े होते हैं, पहले एक दो बार इसके ऊपर जंप मारकर उससे एक दो बार क्या होते हैं, एक ओमेगा को गेन करते हैं और कूद जाते हैं। जब ये हवा में कूद रहे हैं ना, तो इसके पास क्या है बेटा, एक थोड़ा सा ओमेगा है, आप देखो बिल्कुल सीधा नहीं जा रही है, ऐसे तिरछा जा रही है, तो इसके पास एक ओमेगा है, इसके अगर इसके सेंटर मास के अबाउट देखो तो इसके पास एक ओमेगा आ रहा है, ये अपने सेंटर मास के अबाउट घूम रही है। हवा के अंदर इस पर जो एकमात्र फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटी का, बट वो तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, तो बेटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास के बाद कोई भी टॉर्क नहीं आएगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क क्योंकि जीरो है यहां पर, क्योंकि हम यहां पे कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क जीरो है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम ये यहां पर कह सकते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम हवा के अंदर अपने आप नहीं बदलेगा, इसका एंगुलर मोमेंटम हवा के अंदर अपने आप नहीं बदलेगा। अगर इसका एंगुलर मोमेंटम हवा के अंदर अपने आप नहीं बदलने वाला तो क्या होगा बेटा, व्हाट विल हैपन, देखो बेटा यहां पर यह होने वाला है कि इसका ओमेगा अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें किसी ना किसी तरीके से आई को डिक्रीज करना पड़ेगा, किसी ना किसी से आई को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट अभी भी ये प्योर रोटेशन है, ठीक है ना, अभी भी ये प्योर रोटेशन है, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या कहेंगे बच्चा, हम यहां पर बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, एंड एंगुलर मोमेंटम क्या है, कॉन्स्टेंट है, अगर ये बेटा कॉन्स्टेंट है तो आई के घटने पर ओमेगा बढ़ जाएगा,
क्योंकि टॉर्क नहीं है, mg तो खुद सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के बाहर कोई भी टॉर्क नहीं है, ठीक है ना। तो अब अगर हवा, अगर ये अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम करना चाहती है, तो उसको अपनी बॉडी को फोल्ड करना पड़ेगा ताकि मास जो है वो क्या है, एक्सिस के नजदीक आए। तो जब ये अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेगी, इस तरीके से अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेगी, तो आप देखोगे इसका ओमेगा सडनली बढ़ जाएगा। तो वो हवा में एक चक्कर या दो चक्कर लगा लेगी, लेकिन वापस लैंड करने के वक्त अगर वो ऐसे घूमते घूमते लैंड करेगी ना, ठीक है, तो पानी के ऊपर आके सपाट जाके टक्कर लगेगी, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसे ही घूमते घूमते पानी में लैंड करेगी, तो एकदम खपैच करके टकराएगी और एकदम बड़ा सा जो है वो पानी का जो है वो ऊपर निकलेगा, ठीक है ना। तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक क्लीन उसके अंदर नहीं जाएगा, इसको चोट भी लगेगी, इसको चोट भी लगेगी, पानी भी बहुत तेज चोट मार सकता है, क्योंकि जब आप ज्यादा सरफेस एरिया के साथ पानी से टकराओगे तो आप एक साथ ज्यादा पानी को हटाने की कोशिश कर रहे हो। अगर ज्यादा पानी को आप हटाने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और बदले में पानी भी आपको ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना, बदले में पानी भी आपके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा। आ रही समझ में आपको, ठीक है। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पानी में लैंड करने से पहले वापस से अपने ओमेगा को कम करना है, आई को बढ़ाना है, आई को बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी को वापस से ओपन कर लेगी। तो बेटा सारा खेल जो है यहाँ पर वो टाइमिंग का है, सारा खेल यहाँ पर बेटा टाइमिंग का है। इसको सही टाइम पर अपनी बॉडी को फोल्ड करना है और सही टाइम पर उसको अपनी बॉडी को ओपन करना है। तो काफी सारी प्रैक्टिस के बाद आप इस तरीके का एक परफेक्ट स्टंट कर पाओगे, ठीक है, और उसके बाद आप ओलंपिक्स में जा पाओगे। खैर बढ़ते हैं आगे। बैक फ्लिप आपको मारना है। कुछ लोग वॉल फ्लिप भी कर सकते हैं, बैक फ्लिप भी कर सकते हैं। तो बैक फ्लिप या वॉल फ्लिप में होता क्या है, अगर आप लोग ट्राई करेंगे और आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करी हुई, पहली बार ट्राई करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे ही आपने कुड़ी मारी तो आप पूरा घूम ही नहीं पाए, आप सीधा सर के बल या कमर के बल जमीन पर आकर पड़ोगे, आप पूरा टर्न ले ही नहीं पाओगे। क्यों? बिकॉज जमीन से या दीवार से जब आप पुश करते हो अपने आप को, तो आपको एक ओमेगा जरूर मिलता है, आपको बड़ा एक ओमेगा जरूर मिलता है, लेकिन जो ये ओमेगा होता है ना, जो ये ओमेगा होता है, ये काफी कम होता है, ये कम ओमेगा होता है, ये बस इतना ही ओमेगा होता है कि आपको सर के बल गिरा सके, आपको सर के बल गिरा सके, इतना ही ओमेगा होता है, ठीक है ना। अब आपको अपने ओमेगा को इंक्रीज करने के लिए अपनी बॉडी को फोल्ड करना पड़ता है, अपनी बॉडी को करना फोल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बंदा जो करेगा अपनी बॉडी को फोल्ड करेगा, ठीक है, लेग्स को अपने चेस्ट की तरफ पुश पुल करेगा, ठीक है ना। अगेन इसका आई कम हो जाएगा, ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, आई डिक्रीज हो जाएगा, और ऐसा होने के बाद वो हवा में फटाफट चक्कर लगा लेगा, और फिर जब वापस लैंड करना है तो इसको अपनी बॉडी को वापस से ओपन कर लेना है, तो वापस से अपनी बॉडी को ओपन करेगा, तो इसका एक पूरा जंप सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो सही टाइम पर अपने पैरों को फोल्ड करना और अपने पैरों को ओपन करना, यही सारी की सारी चीजें यहां पर होती है, ठीक है ना, यही सारी की सारी चीजें यहां पर होती है, ठीक है। अच्छा समझ में आया आप लोगों को, इस तरीके से आप यहां पर जंप कर सकते हो। चलिए बेटा, मेरे ख्याल से अब आपको एकदम बेहतरीन तरीके से एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन की फील तो आ गई होगी। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात यहां पे करते हैं। एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है काफी सारे केसेस में लगता है, और उनमें से कुछ केसेस जैसे कोलिजन वाले केसेस होते हैं, ठीक है ना, उनमें बहुत ज्यादा फेमस है लगता है। कुछ रोलिंग वाले केसेस भी हैं, कहां कहां पर कैसे कैसे लगेगा, अब मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल्स यहां पे करके दिखा देता हूं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन लेकिन आपको अच्छे से सीखनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्योर ट्रांसलेशन है, कि प्योर रोटेशन है, कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है। मैं सारे केसेस आप लोगों को आपके सामने रख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है बच्चों। तो बेटा क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं बेटा। आइए, हमारे पास यहां पर एक रॉड है और इसके एंड में एक छोटी सी ओपनिंग है, और यहां पर बेटा एक हुक है। क्या है बेटा? ये हुक है, यहां पर छोटी सी ओपनिंग है। आप लोगों ने बेटा सुई तो देखी होगी, निडल सुई, सुई के एंड में क्या होता है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है जहां से आप धागा डालते हैं, एक छोटी सी ओपनिंग होती है जहां से आप धागा डालते हैं, ठीक है। तो वैसा ही यहां पर है बेटा, आपके पास बेटा ये रॉड है, रॉड के एंड में एक छोटी सी ओपनिंग है जो जिसके अंदर ये हुक आके फंस सकता है, इनफैक्ट जो हुक में जाके फंस सकता है, उल्टा बोल दिया मैंने, जो हुक में जाके फंस सकता है, ठीक है।
तो बेटा अभी ये रॉड जो है नीचे गिर रही है इस तरीके से वी रफ्तार से, घूम नहीं रही केवल गिर रही, घूम नहीं रही केवल गिर रही है, ठीक है। तो रॉड ऐसे थी और ऐसे आ रही थी, घूम नहीं रही थी, ऐसे आ रही थी, कर 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 ऐसे आ रही थी, ठीक है। अब इसका जो ये एंड था ना, ये इसमें आके फंस गया, कर फंस गया, फंसा तो फंसते ही क्या होगा बेटा, ये अब रॉड घूमना शुरू कर देगी, रॉड ऐसे घूमना शुरू कर देगी, इसके बाद घूमना शुरू कर देगी। तो कोलिजन से पहले, जस्ट पहले, रॉड जो थी वो परफेक्टली प्योर ट्रांसलेशन में थी, प्योर ट्रांसलेशन में थी, घूम नहीं रही थी, और जैसे ही इसका एंड यहां पे स्टक हुआ तो इसने घूमना शुरू कर दिया। मतलब ये क्या हो गया, ये प्योर रोटेशन में आ गई, ये प्योर बेटा रोटेशन में आ गई, बेटा ये ट्रांसलेशन थी उसके बाद रोटेशन में आ गई। आ रही बात समझ में आपको? अच्छा जी, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, देखो यहां पे क्या हो रहा है। अगर इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, रॉड का मास m है और लेंथ l है, और ये v रफ्तार से नीचे आ रही है, बेटा v रफ्तार से नीचे आ रही है, तो क्या होगा देखो। सबसे पहले हम यहां पे एनालिसिस करते हैं कि क्या यहां पर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो किस पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, तो अगर हम यहां पर सबसे पहले एक एफबीडी बनाएंगे, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, डायग्राम बहुत सुंदर होना चाहिए, डायग्राम बेटा बहुत सुंदर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। तो बेटा यहां पर होने के वाले दो फोर्स लग रहे हैं हमारे पास, एक एम जी लग रहा है और दूसरा यहां पर हिंज फोर्स लगने वाला है। अच्छा, अब यहां पर दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कोलिजन की वजह से आने वाला फोर्स नहीं है। दूसरा यहां पर कौन है, दूसरा यहां पर हिंज फोर्स है जो कि कोलिजन में आने वाला फोर्स है। एंड यहां पर जो फोर्स कोलिजन में आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं बड़ा इंपल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्सेस। इंपल्सिव फोर्सेस कौन से होते हैं बड़ा? विच आर वेरी लार्ज फोर्सेस, वेरी लार्ज फोर्सेस, but they act for very very small time, they are very large forces but they act for very small time। तो बहुत बड़े forces हैं ये, but बहुत छोटी duration के लिए लगते हैं। बहुत बड़े force हैं ये लेकिन बहुत ही छोटी duration के लिए लगते हैं, ठीक है ना। बड़े forces अगर बहुत छोटी duration के लिए लगते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम कहते हैं बेटा इंपल्सिव फोर्सेस। बड़े फोर्सेस छोटी ड्यूरेशन के लगते हैं तो उनको हम कहते हैं बेटा इंपल्सिव फोर्सेस। सो व्हाट आर इंपल्सिव फोर्सेस? इंपल्सिव फोर्सेस आर दोज व्हिच एक्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम एंड दे आर वेरी वेरी लार्ज। जब बहुत बड़ा फोर्स होता है ना तो वो एक बहुत छोटे समय के लिए भी काफी होता है। जो एक बहुत बड़ा फोर्स होता है ना वो एक बहुत छोटे समय के लिए भी काफी होता है, वो उस छोटे समय में बहुत बड़ी तब्दीलियां ला सकता है। लेकिन जो इंपल्सिव फोर्सेस नहीं होते वो एक छोटे से समय में कुछ उखाड़ नहीं सकते, ठीक है ना। अब ये एमजी इज नॉट अ इंपल्सिव फोर्स, तो चुटकी बजाकर कुछ चेंज नहीं कर देगा। हाँ, इसको समय दोगे तो ये चेंज कर देगा, तब तो ये समय अगर आप दोगे तो इसमें एक अच्छा सा चेंज ले आएगा। लेकिन अगर आपने इसको समय नहीं दिया, केवल चुटकी बजाई और चुटकी बजाने से पहले और बाद में की बात आपने करी, तो एमजी की वजह से कुछ खास चेंज नहीं आ रहा होगा। तो जब आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखना होगा और कोलिजन वाला केस हो रहा होगा, मतलब आपने ड्यूरेशन बहुत छोटी कर दी, जस्ट पहले और जस्ट बाद की अगर आप बात कर रहे, कोलिजन के चुटकी बजाने से पहले और बाद की बात कर रहे, तो आप केवल और केवल इंपल्सिव फोर्सेस या इंपल्सिव फोर्सेस के टॉर्क को देखोगे। जो नॉन इंपल्सिव फोर्सेस हैं वो उस चुटकी में, उस कोलिजन की छोटी सी ड्यूरेशन में कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। इनको अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज करना है तो इनको समय लगेगा, बिकॉज ये छोटे फोर्सेस। जो कोलिजन वाले फोर्सेस होते हैं वो इससे 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना, 1000 गुना भी हो सकते हैं। तो यहां जो इस एंड पे फोर्स लगेगा ना, ठीक है ना, उसकी वजह से एक सडन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आएगा। एमजी की वजह से एंगुलर मोमेंटम में चेंज उस चुटकी के दौरान तो नहीं होगा, एटलीस्ट।
उस चुटकी के दौरान तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि क्या हम कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ सकते हैं जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं? यस सर। कौन सा पॉइंट होगा बेटा ये? वो होगा हिंज वाला पॉइंट या हुक वाला पॉइंट। व्हाई व्हाई वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट? अभी आप कहोगे सर यहां पर एम जी का टॉर्क तो लग रहा है, एफ हिंज का जीरो हो गया, वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, एम जी का टॉर्क तो है ना इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या हम एम जी का टॉर्क होने के बावजूद भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट? द आंसर इज यस वी कैन, यस वी कैन। व्हाई? बिकॉज एम जी इस चुटकी इस कोलिजन के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा, समय लगेगा तो चेंज करेगा, ठीक है। तो एम जी इज नॉट ए इंपल्सिव फोर्स, तो हमें इसका टॉर्क इस कोलिजन के दौरान कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है, हिंज का करना पड़ता, लेकिन हिंज तो खुद ही इस पॉइंट से पास कर रहा, इसका टॉर्क जीरो होगा। तो आई एम सेइंग एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए फाइनल इनिशियल। अब फाइनल क्या और इनिशियल क्या? तो इनिशियल डायग्राम तो आपके सामने है, फाइनल डायग्राम भी आपको अब ड्रॉ करना पड़ेगा, फाइनल डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फाइनल डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? हमने कहा देखो ये हमारे पास रॉड है, ये बेटा हमारे पास रॉड है, ठीक है, और बेटा एंड के अबाउट ये अब ये फंस चुकी है यहां पर, ये एंड जो है इस तरीके से फंस चुकी है इसके अंदर, और इसके बाद घूम रही है ओमेगा से। तो बेटा ये फाइनल डायग्राम हमारे पास आ गया, फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल, दो डायग्राम चाहिए। अब देखो रॉड मैंने अभी सीधी ही दिखाई है, क्योंकि जस्ट कोलिजन हुआ ही है अभी, जस्ट कोलिजन हुआ ही है, घूमना शुरू ही किया है, आफ्टर सम टाइम ही सीधी हो जाएगी, आफ्टर सम टाइम ही सीधी हो जाएगी। सीधा कौन करेगा उसको? एम जी करेगा, बट इट विल टेक टाइम, फ्रॉम हेयर टू हेयर इट विल टेक टाइम, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर एम जी इज डूइंग नथिंग, ठीक है। चलिए मैंने बहुत समय इस पर लगाया है आपको समझाने के लिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एम जी का टॉर्क किस लिए कंसिडर नहीं होगा उस छोटी सी ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। खैर अ प्योर ट्रांसलेशन, दिस इज प्योर ट्रांसलेशन, दिस इज नथिंग बट प्योर ट्रांसलेशन। And this is pure rotation. दोनों का formula अलग अलग, दोनों का formula बेटा अलग अलग। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं आपके formula। Pure translation के लिए आपको center of mass की velocity को extend करना है, उस paper pendulum डालना है। Pure rotation के लिए I into omega करना है, pure rotation के लिए I into omega करना है। आ जाइए देखते हैं, देखिए बच्चा लोग यहां पर क्या हो रहा है। तो जो इसकी वेलोसिटी v थी, इसको हम एक्सटेंड करेंगे ऊपर नीचे, ऐसे हमने एक्सटेंड कर दिया। दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, शानदार कलर, ग्रीन कलर ले लिया हमने, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, कितना है बड़ा l बाई टू है, वो l बाई टू है आपके पास, ठीक है। तो v l बाई टू, v l बाई टू, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बेटा? तो इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है बेटा, वो है एम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस l बाई टू, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस l बाई टू बेटा, ये है आपके पास m v l बाई टू, m v l बाई टू, ठीक है। अब फाइनल की बात कर लेते हैं, फाइनल कितना होगा इसके अबाउट? तो हम इसके अबाउट फाइनल की बात करेंगे तो बेटा हम क्या कहेंगे? I into omega, I into omega, what is I here? I कितना है हमारे पास इस एंड के अबाउट? I कितना होगा बेटा? तो I होगा हमारे पास ml square by 3, ml square by 3 into omega होगा, ml square by 3 into omega होगा। तो इसके अबाउट हमारे पास i कितना होगा? ml square by 3 omega से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ml square by 3 into omega हो जाएगा, ठीक है। तो m से m कट गया, l से l कट गया, तो omega की वैल्यू कितनी आ रही है? 3v by 2l आ रही है। ये हमारा है शानदार, मजेदार, मस्त आंसर, ठीक है भैया, बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चा, हमारे पास इस तरीके से एक मैरी गो राउंड है, एक डिस्क है, मतलब मास m है, रेडियस r है, डिस्क है, इट्स अ टॉप व्यू, हेलीकॉप्टर व्यू है बेटा, ऊपर से बैठकर देख रहे हैं इसको, हमें डिस्क ऐसे लेटी हुई नजर आ रही है। एक बच्चा है जो यहां से भागता हुआ आ रहा है, एक बच्चा है जो यहां से भागता हुआ आ रहा है, ठीक है। यहां पर एक बेटा पोल है, मासलेस पोल, इट्स अ मासलेस पोल, मासलेस पोल है। इस बच्चे की रफ्तार यू है, मास स्मॉल m है, जमीन बेटा स्मूथ है, जमीन बेटा स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है,
ठीक है, बच्चा भागता हुआ आ रहा है, क्या करता है, इस पर कूद जाता है और इस पोल को पकड़ लेता है, इसे कूद जाता है और इस पोल को पकड़ लेता है, भागता हुआ आ रहा है, कूदा और पोल को पकड़ लिया। बताओ क्या होगा, जैसे ही वो इस पोल पे जाके इस पोल को पकड़ता है, ठीक है, तो डिस्क को है वो घूमना शुरू कर देगी। तो व्हाट इज द फाइनल डायग्राम, फाइनल डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस, बच्चा इस पोल को पकड़ के यहां बैठा हुआ है और डिस्क जो है इसके बाद ओमेगा से घूम रही है। निकालना क्या है आपको, ओमेगा ही निकालना है, फाइंड ओमेगा, ओमेगा ही निकालना है आपको, आ रही है बात समझ में आपको। अब जो डिस्क है ना वो यहां से हिंज्ड है, ये हिंज्ड है, यहां से हिंज्ड है ये। अब देखो बच्चा लगाएगा फोर्स पोल पे, पोल लगाएगा बच्चे पे, बट वो तो इंटरनल हो गया ना, उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। एक्सटर्नल कौन सा फोर्स है, एमजी, वो तो अंदर की तरह जा रहा है, एमजी ऐसे जा रहा है नॉर्मल बाहर आ रहा, एमजी ऐसे जा रहा नॉर्मल बाहर आ रहा, अरे समझ में आपको, ठीक है, वो तो अपने आप में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस पॉइंट के अबाउट देखो हिंज का फोर्स आएगा, हिंज का फोर्स आएगा, बट इसी पॉइंट के अबाउट देखें हम तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, बिकॉज हिंज के अबाउट हिंज का कोई फोर्स कंसिडर होगा ही नहीं। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई, बस हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम करना है कंजर्व। तो डिस्क पहले रुकी हुई थी, बच्चा भागता हुआ आ रहा है, डिस्क रुकी हुई है, बच्चा भागता हुआ आ रहा है, तो बच्चे को एक पॉइंट मास की तरह यहां पे ट्रीट करना है हमको, तो ये पॉइंट मास चलता हुआ आ रहा है, तो पॉइंट मास का जो एंगुलर मोमेंटम है कैसे निकालते हैं बच्चों, आप पॉइंट मास की वेलोसिटी को एक्सटेंड कर देंगे, ऊपर नीचे बढ़ा देंगे, और जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डाल देंगे बच्चा लोग, ठीक है ना। जब आपने यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगा आर, तो एम यू आर इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द हिंज, एम यू आर हिंज के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज इनिशियल। बेटा फाइनल लिखना है, अब फाइनल क्या हो रहा है, फाइनल बच्चा और डिस्क दोनों घूम रहे हैं, फाइनली बच्चा और डिस्क दोनों घूम रहे हैं बच्चा इसके अबाउट, फाइनली बच्चा और डिस्क हिंज के अबाउट दोनों घूम रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज फाइनली कितना होगा बेटा, तो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू है, प्लस बच्चे कितना है बेटा, ये है एम आर स्क्वायर, बच्चे का है एम आर स्क्वायर, बच्चा तो आर डिस्क, तो बच्चे को पॉइंट मान रहे, पॉइंट को होता है एम आर स्क्वायर, तो पॉइंट के लिए एम आर स्क्वायर हो गया, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई टू हो गया, इन टू ओमेगा। बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नहीं याद, सबसे पहला लेक्चर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का था, जाकर देख लीजिए, बहुत शानदार लेक्चर था, बहुत सीधिया मैंने आपको उस पर दी थी। ठीक बच्चा, आई बात समझ में, बस करना कुछ नहीं है, इस आर को कैंसिल कर दिया। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, ये बच्चा कौन है, कमेंट करके बताना ये बच्चा कौन है, कौन है बच्चा, ये कौन है, ये बच्चा बताना है कमेंट करके आपको, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, आई होप सब जानते हैं इसको, कौन सा बच्चा है, ये शरारती बच्चा जो हमारी क्लास में बार बार आता है, हु इज दिस बच्चा, ओमेगा तो निकाल दिया हमने, बच्चा ढूंढना कौन है, कमेंट करके बताना इस बच्चे का नाम क्या है, देखते हैं किसको पता है, देखते हैं किसको पता है इस बच्चे का नाम क्या है बच्चों। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आओ अगला प्रश्न करते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक डिस्क है, इसका मास बेटा m है, रेडियस r है, और जो बेटा ये डिस्क है या मास 2m कर देते हैं, रेडियस भी हम बढ़ा लेते हैं 2r कर लेते हैं, और जो ये डिस्क है ना ये घूम रही है ओमेगा नॉट से, ये ओमेगा नॉट से घूम रही है। हमारे पास एक और डिस्क है बच्चा, हमारे पास एक और डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है, इस डिस्क को हम लेकर गए और हमने बड़े प्यार से इसके सेंटर के ऊपर इसका सेंटर रख दिया, इसके सेंटर के ऊपर इसका सेंटर रख दिया, अगेन क्या है बेटा, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू है, टॉप व्यू है बेटा, ये साइड व्यू आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि एक डिस्क ये थी, दूसरा डिस्क हम ला के इसके ऊपर रख रहे हैं, इस तरीके से साइड व्यू दिखेगा आपको, ठीक है, ये साइड व्यू है, टॉप व्यू आपको दिखा रहे हैं, ये टॉप व्यू आपको दिखा रहा है, ठीक है, ओके भाई। अब इन दोनों डिस्क के बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन जमीन पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, इसका जो अपर सरफेस है वो फ्रिक्शन वाला है, लेकिन बॉटम सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है। जब इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो इनके बीच में घर्षण होगा, नीचे वाली डिस्क स्लो होगी, ऊपर वाली डिस्क फास्ट होना शुरू हो जाएगी, अल्टीमेटली दोनों साथ साथ घूम रहे होंगे, हमें बताना है फाइंड ओमेगा, फाइनल, व्हाट इज द फाइनल ओमेगा। तो सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम, इनिशियल सिस्टम आपको दिख रहा है, फाइनल बना लेते हैं, फाइनली क्या होगा, दोनों डिस्क साथ में रखी होंगी, दोनों ही घूम रही होंगी ओमेगा फाइनल से, ठीक है, अगेन हिंज के अबाउट,
हिंज के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। आप इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखोगे हिंज के अबाउट तो आपको बड़ी डिस्क का मास है 2m 2r स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू छोटी डिस्क जब इसके ऊपर रख दी गई है। अब दोनों के दोनों घूम रहे हैं तो कंबाइंड मूवमेंट इनिशियल कितना आएगा बेटा 2m इंटू 2r का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस छोटी डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा फाइनल। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 इसका 2m इंटू 2r का स्क्वायर बाय 2 ठीक है ना। बस दोनों का जोड़ा तो दोनों घूम रहे हैं कंबाइंड हो गए दोनों घूम रहे हैं तो इस 2 से 2 कट रहा है तो हमको मिल रहा है 4m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट बहुत शानदार। इस 2 से 2 कट रहा है तो हमको मिल रहा है 4 प्लस 1 बाय 2 4 प्लस 1 बाय 2 दैट मीन्स 9 बाय 2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा ठीक ना। 4 प्लस 1 बाय 2 तो 2 8 और 1 9 9 बाय 2 ठीक है बिल्कुल सही है तो 8 बाय 9 ओमेगा नॉट इज ओमेगा फाइनल। ये हमारे पास आंसर आ रहा बड़ा आगे पसंद में आपको ये हमारे पास आंसर आएगा इस तरीके से। क्लियर है बहुत शानदार सर मजा आ गया बहुत मजा आ गया है मजा आ रहा होगा ठीक है बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो केसेस मैंने लिए यहां पर वो जो केसेस थे उसके अंदर हमने बेसिकली जो बात करी है वो या तो प्योर ट्रांसलेशन की बात करी है या प्योर रोटेशन की बात करी है। अभी हमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की बात भी करना बाकी है बट उससे पहले एक केस और लेते हैं प्योर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का और उसके बाद फिर मैं आपके साथ बात करूंगा रोलिंग के अंदर जहां पे रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों हो रहा होगा। तो हमारे पास एक रॉड है मास m है लेंथ l है हमारे पास एक पॉइंट मास है जिसका मास स्मॉल m है चल रहा है u से आकर एंड पॉइंट पे टकरा रहा है। क्वेश्चन क्या है बेटा तो क्वेश्चन है पहला m स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन सेकंड m स्टिक्स विद द रॉड आफ्टर कोलिजन टकरा के रुक गया या टकरा के चिपक गया टकरा के रुक गया या टकरा के चिपक गया दो केस अलग हैं। निकालना क्या है आपको आपको निकालना है फाइंड एंगुलर velocity of the angular velocity of the rod just after the collision in दो केसेस में angular velocity of the rod just after the collision आपको कैलकुलेट करना है। आइए करते हैं कैलकुलेशन सबसे पहला काम बच्चा सुंदर डायग्राम तो भले छोटा बना लेते हैं लेकिन सुंदर बनाएंगे। एम स्टॉप तो एम रुका पड़ा है यहां पे और रॉड घूम रही ओमेगा से किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो भैया देखो ये आपस में जो फोर्स लगाएंगे उससे हमें मतलब नहीं है हिंज पे जो फोर्स लगेगा उससे हमें मतलब है। एमजी जैसा फोर्स तो हम काउंट ही नहीं करते हैं कोलिजन में ठीक है ना तो हम हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम करेंगे कंजर्व। तो पहले कितना है बिफोर द कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कितना है आइए पार्टिकल चलता हुआ आ रहा इसके हमने वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड कर दिया इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो कितना एंगुलर मोमेंटम आएगा बच्चा बोलो एम आएगा यू आएगा एल आएगा एम आएगा यू आएगा एल। अब कोलिजन के बाद यहां हो रहा प्योर रोटेशन कोलिजन के बाद यहां हो रहा है प्योर रोटेशन तो हम लिखेंगे एम कैपिटल वाला रॉड की बात हो रही एम एल स्क्वायर बाय 3 क्योंकि एंड के बात हो रही इनटू ओमेगा और इसका कितना अपने रुक गया जब रुक गया एंगुलर मोमेंटम है नहीं इसका जीरो हो गया तो इससे ये कट गया ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई ओमेगा वैल्यू आ गई 3 एम यू बाय एम एल। बहुत शानदार हमारा आंसर आ चुका है बॉल बाउंड्री के पार बॉल बाउंड्री के पार 4 नंबर जेब के अंदर आ चुके हैं बेटा। आइए बेटा आगे बात करते हैं एम स्टिक्स विद द रॉड आफ्टर द कोलिजन अगर चिपक गया उससे तब क्या होगा
किस तरीके से यहां पर केस होगा। मान लेते हैं चिपका कैसे, मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, फेविस्टिक लगी हुई है, चुटकी में चिपकाए, फेविस्टिक लगी है चुटकी में चिपकाए, बॉल आई टकराई चिपक गई, बॉल आई टकराई चिपक गई, बॉल आई टकराई चिपक गई, चुटकी में चिपकाए। देखते हो ना, फेविस्टिक लगाता है और मछली को पकड़ लेता है, मछली अगर टकराती है चिपक जाती है, पकड़ लेता है, तो क्या आइडिया है। M sticks with the rod after the collision. M जो है वो चिपक जाता है after the collision. तो क्या होता है बेटा देखते हैं, देखते हैं final diagram, final diagram, final diagram बनाएंगे हम इसका, final diagram बनाएंगे। चिपक गया के साथ दोनों घूम रहे हैं ओमेगा से, इनिशियल तो बेटा वही है ना जो है, अभी भी हिंज के बॉडी का मैग्नेटिक मोमेंट कर रहे हैं, इनिशियल कितना है MUL, फाइनल कितना होगा, फाइनल कितना होगा बेटा, तो फाइनल के लिए देखो बेटा क्या क्या हो रहा है यहां पर, फाइनल के लिए हम कह रहे हैं टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, तो रॉड का कितना है बेटा एम एल स्क्वायर बाय 3 है, और पार्टिकल कितना है बेटा एम एल स्क्वायर है इनटू कितना है बेटा ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है एम यू एल डिवाइड बाय एम बाय 3 प्लस स्मॉल एम इनटू एल स्क्वायर, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इज एम यू डिवाइड बाई एम बाई 3 प्लस एम इंटू एल, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है बेटा आपको समझ में आ रही है बेटा आपको, एम यू डिवाइड बाई एम बाई 3 प्लस एम इंटू एल, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ रही है, क्लियरली आपको दिख रही है, आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अच्छा यहां पर अब आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, ये केवल और केवल, केवल और केवल आईआईटी के बच्चों के लिए है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसको क्वेश्चन पूछ सकता है इस वाले केस में, फाइंड कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, फाइंड कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई निकाल दो तो बेटा ई की वैल्यू कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ, सेपरेशन कितना होगा बेटा, इसके लिए आपको इस एंड का वेलोसिटी देखना पड़ेगा, तो बेटा वो होगा एल इन टू ओमेगा, इसका तो बेटा जीरो है, तो सेपरेशन देखते हैं कोलिजन के बाद, अप्रोच देखते हैं कोलिजन से पहले, तो सेपरेशन हो रहा बेटा एल ओमेगा माइनस जीरो से, अप्रोच कर रहा वो यू से, तो रुका हुआ है, तो एल ओमेगा की वैल्यू, एल ओमेगा डिवाइड बाय यू की वैल्यू आपको दिख रही 3m बाय कैपिटल m, ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ गया, ठीक है बेटा, ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन ये थोड़ी सी क्या है, एकदम छुपी हुई चीज है, थोड़ा सा कम पूछा जाता है, आईआईटी में आता है, मेडिकल वाले बच्चों को इतना डरने की जरूरत नहीं, सर ये ई क्या आ गया यहाँ पर, कैसे लगा दिया आपने, ये ई वही ई है जो मैंने आपको कोलिजन में पढ़ाया था, समझे बाबू मुशाए, मैंने आपको कोलिजन में पढ़ाया था, तब आप पढ़े नहीं, मैंने कहा बच्चा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप पढ़े नहीं बच्चा, बाबू मुशाए वही ई का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे बाबू मुशाए, ई को सूत्री एम बाय कैपिटल एम यहाँ पर आपको मिल रहा है। चलो भैया बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसमें क्या हो रहा है, रोलिंग 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 रोलिंग, हमारे पास है एक राउंड ऑब्जेक्ट जिसका मास है एम, रेडियस है आर, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जेड एम आर स्क्वायर, याद आया कुछ, जेड क्या होता है, रोटेशन में हमने जड़ का बहुत भरपूर इस्तेमाल किया है, बट फिलहाल जिसको नहीं पता उसके लिए जड़ जड़ है बस, कुछ और नहीं, बस जड़ है, जड़ के नाम यहां से निकालेंगे हम। तो हमने क्या किया, हमने इसको रफ्तार देके छोड़ दिया, हमने कहा इसकी रफ्तार यू है, हमने घुमाया नहीं है इसको, केवल यू देके छोड़ दिया, हमने कहा कि ले हमने फेंक दिया इसको, जैसे हम बॉलिंग बॉल को फेंक देते ना ऐसे, वैसे हमने उठा के फेंक दिया। अब जब हमने इसको फेंक दिया ये जाके जमीन पर टकराएगा, जब हमने इसको फेंक दिया तो ये जाके जमीन पर टकराएगा, ठीक है ना, जब ये जाके जमीन पर टकराएगा, टकराया तो घर क्या, इसको कोलाइड से रख दिया हमने, बस इसको यू स्पीड देके जमीन पर रख दिया हमने, टक्कर में समझ लेनी आपको एक्चुअली, तो यहां पे फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, यहां पर फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा बेटा, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, जब फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ लगेगा ना, तो फ्रिक्शन इसके रफ्तार को कम करने की कोशिश करेगा और उसको घुमाने की कोशिश भी करेगा, तो इसके पास थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो इसका जो रफ्तार है बेटा वो कम हो चुका होगा और इसके पास कुछ इस तरफ ओमेगा आ चुका होगा, अगर फ्रिक्शन ऐसे है ना तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, ठीक है ना, ऐसे घुमाएगा तो इसके बाद एक ओमेगा आ चुका होगा,
ये फ्रिक्शन बेटा कब तक लगता रहेगा? ये तब तक लगता रहेगा जब तक v बराबर r ओमेगा ना हो जाए। ये फ्रिक्शन बेटा कब तक लगता रहेगा? ये फ्रिक्शन बेटा तब तक लगता रहेगा जब तक v बराबर r ओमेगा ना हो जाए। बच्चा बालक v बराबर r ओमेगा ना हो जाए ये लगता ही रहेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं, कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनके मन में प्रश्न उठते हैं। तो आपके मन में भी हो सकता है कि कोई प्रश्न उठ रहा हो और आप सोच रहे हो कि हो सकता है कि अगर फ्रिक्शन यहां पर लगा ही नहीं, सर ने कहा कि v बराबर r ओमेगा होने के बाद फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, तो बच्चा पूछेगा सर आज पकड़ ली है आपको, सर अगर फ्रिक्शन जीरो हो गया तो ये रुकेगा ही नहीं, ये चलता ही जाएगा। सही बोल रहे हो बेटा, ये रुकेगा नहीं। फ्रिक्शन जीरो हो चुका है, वी इक्वल टू आर ओमेगा हो चुका है, प्योर रोलिंग हो रही है, ये जिंदगी भर ऐसे ही हाईवे के ऊपर चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। पर अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा, सर कैसी बात कर रहे हो, राउंड ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर जाता है ये हमें पता है, लेकिन रुक भी जाता है ये भी हमको पता है। आप कह रहे हो कि चलता जाएगा, ऐसे तो नहीं होता। तो बेटा उसके रुकने के होते हैं दूसरे कारण। एक और फ्रिक्शन होता है जो रोलिंग ऑब्जेक्ट्स में लगता है और वो होता है बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। हमने उसको यहां पर निग्लेक्ट किया हुआ है। हम जिस फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहे हैं केवल और केवल बेटा वो है कौन कौन से फ्रिक्शन, वो है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, जो प्योर रोलिंग होने के बाद लगना बंद हो जाएंगे। अगर आप ये कह रहे हो कि रोलिंग फ्रिक्शन जीरो होगा, एयर फ्रिक्शन जीरो होगा, एयर ड्रैग जीरो होगा, तो बेटा ये कभी नहीं रुकेगा। बट ये जीरो नहीं होते हैं, रियलिटी में ये भी होते हैं, इसलिए रुक जाते हैं, ठीक है। बट जिस कंडीशंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं उस कंडीशन के हिसाब से प्योर रोलिंग हो गई तो ये जिंदगी में चलता हो जाए, रुकेगा। आई बात समझ में? अब आओ क्वेश्चन कैसे करना है, निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द फाइनल वी। अल्टीमेट ये वी कितना होगा, फाइंड द फाइनल वी। तो क्वेश्चन को करने के बड़े बहुत सारे तरीके हैं इसको, बट मैं आपको सबसे इजीएस्ट तरीका समझाता हूं, सिद्धि दे रहा हूं आपको, अच्छे से देख लो बेटा। देख बच्चा लोग, बहुत सारे बच्चे इसको काइनेमेटिक्स से या डायनेमिक्स से लगाने की कोशिश करते हैं, वो अल्फा निकालते हैं, वो एक्सलरेशन निकालते हैं, फिर वहां से इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह लगा लोगों के सॉल्व कर कुरा के निकालते हैं, एक पन्ना भर देते हैं। इतनी मेहनत हम करेंगे नहीं बेटा, इतनी मेहनत नहीं करते हम तो आलसी हैं बेटा। हम क्या लगाते हैं, हम सिद्धि लगाते हैं। प्राउड टू बी आलसी, यू शुड प्राउड टू बी आलसी, यू नो। काम बचाने के लिए, मेहनत बचाने के लिए जो करना पड़े वो करेंगे, काम लेकिन कर देंगे, काम ना करना इस गलत वाला आलसी, ठीक है ना। काम करने के लिए, काम करने में अपनी मेहनत बचाने के लिए स्मार्ट तरीका ढूंढना इस गुड वाला आलसी, हम ये गुड वाले आलसी, ठीक है ना। आलसी की भी दो प्रजातियां होती हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है जो कहते हैं मैं काम ही नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन ही नहीं करूंगा, आपने क्वेश्चन दिया ना मैं करूंगा ही नहीं, लो भाई हम क्वेश्चन कर ही नहीं रहे, चलो। एक चीज बताता हूं आपको, देखो सारी प्रॉब्लम्स के ताले को खोलने की बेटा एक की है। जितनी भी दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स के ताले को खोलने की बेटा एक की है। कौन सी की है? उस की का नाम है तन्नू की। जो पंजाबी बच्चे समझ गए होंगे। क्या नाम है उस की का नाम है सन्नू की। हमें क्या फर्क पैंदा है सन्नू की है? मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने हो सन्नू की, मतलब रोहित सर कह रहे हैं कि देखो कैसे करेंगे इसको, पूरी जी जान लगा दी उन्होंने, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बच्चा कह रहा है सन्नू की। और बच्चे से पूछो भैया क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोलेगा तन्नू की। तो
बेटा सारे प्रॉब्लम्स को खोलने की ताला, सारे प्रॉब्लम्स के ताले को खोलने की चाबी कौन सी है बेटा? सानू की। प्रॉब्लम आई, हाउ विल यू फाइंड द फाइनल वी, व्हाट विल यू से? सर सानू की। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, चार ऑप्शंस आते हैं, उसमें एक ऑप्शन ये भी आना चाहिए, सानू की। क्या आंसर हुआ अभी का? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, सानू की। तो बच्चा उसी को मार करके आ रहा है, सानू की, सानू की, सानू की। ध्यान से देखो बेटा इसको। हम कह रहे हैं कि यहां पर हमने एक पॉइंट चुन लिया है, और इस पॉइंट के अबाउट हम निकालने वाले हैं टॉर्क। तो mg और नॉर्मल तो कैंसिल ही कर रहे हैं एक दूसरे को, उनका टॉर्क भी कैंसिल कर रहा है, और फ्रिक्शन खुद इस पॉइंट से पास कर रहा है, फ्रिक्शन खुद इस पॉइंट के पास कर रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन का टॉर्क बेटा इसके बाद क्या है? जीरो आ गया। तो सारे फोर्सेस का टॉर्क मिला के जीरो होने का मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का कॉन्स्टेंट होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। अब क्या करना है आपको? बस सिंपल सी एक बात करनी है, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है और उसको इनिशियल फाइनल को बराबर कर देना है। इनिशियल डायग्राम ये रहा, फाइनल डायग्राम ये रहा। इनिशियल ओमेगा नहीं है तो क्या है? ये है प्योर ट्रांसलेशन। इनिशियल ओमेगा नहीं है तो क्या है? ये है प्योर ट्रांसलेशन। और ये क्या है बेटा? प्योर रोटेशन। ठीक है, तो प्योर ट्रांसलेशन के अंदर हम क्या करते हैं? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को एक्सटेंड करते हैं, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं जो कि होगा आर के बराबर। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इनिशियली, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए फाइनली। क्या लिखेंगे बेटा? इनिशियल कितना हमारे पास? हमारे पास है एम यू आर, M-U-R, M-U-R, M-U-R. बेटा फाइनली हमारे पास वेलोसिटी भी है, ओमेगा भी है, वेलोसिटी भी है और ओमेगा भी है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे? हम V को एक्सटेंड करेंगे, उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, कितना आएगा बेटा? एम वी आर आएगा, प्लस आईसीएम ओमेगा करेंगे, आईसीएम ओमेगा भी हमारे पास अंदर की तरफ है। आईसीएम कितना है इसका? जेड एम आर स्क्वायर है, इंटू ओमेगा लिख देंगे हम, जेड एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख देंगे हम। बस सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। एम से एम गया, गया गया, आर से आर गया, गया गया, अरे दो आर थे यहां तो एक आर जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या बचेगा हमारे पास? क्या बचेगा हमारे पास? तो हमें मिलेगा एक और चीज, एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। जो ये आर ओमेगा है इसको हम वी लिख पाएंगे, आर ओमेगा को हम वी लिख पाएंगे। तो क्या लिखा? यू इज इक्वल्स टू वी प्लस जेड वी। तो v की वैल्यू मिल रही है u डिवाइड बाय 1 प्लस z। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को कर सकते हैं याद, और फिर क्या करना है आपको याद करने के बाद? क्या करना है आपको? बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। क्या? z की वैल्यू को डालते जाएंगे, आपको आंसर मिलते जाएंगे। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए z की वैल्यू अलग होगी। वैल्यू डालिए, आंसर निकालिए, वैल्यू डालिए, आंसर निकालिए। बहुत सिंपल बात बेटा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बेटा बना सकते। चलिए अब हम आपको देते हैं चैलेंजर, बहुत दिन हो गए चैलेंजर नहीं आया। चैलेंजर है आपके सामने, क्यूब है जो कि कुछ यू रफ्तार से बढ़ रहा है। क्यूब का मास एम है, साइड लेंथ ए है, और ये जा रहा था कुछ इस तरीके के ट्रैक पर, ऐसे आराम से जा रहा था। ठीक है, सडनली इसको एक ऑब्स्टेकल यहां पे मिलता है, वहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, जा रहा है, इसको एक ऑब्स्टेकल मिलता है। ठीक है, इसका जो ये वाला एज है, जो इसकी वाला एज है, वो इस ऑब्स्टेकल में फंस जाता है। तो क्या होगा बेटा? फंसते ही क्या होगा? एक कोलिजन टाइप की सिचुएशन है ना। तो ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जहां टकराया, टकराते क्या होगा? इसके बाद घूमने की कोशिश करेगा, इसके बाद घूमने की कोशिश करेगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्यूब जस्ट आफ्टर इट्स एज गेट स्टक इन द ऑब्स्टेकल। जैसे ही इसका एंड यहां पे स्टक होगा, इसका कितना ओमेगा होगा आपको निकालना है। अब यहां पर आपको जरूरत पड़ सकती है एज के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की। क्यूब का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है मैंने आपको करवा रखा है,
जाकर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक क्यूब का। ठीक है बेटा, ये चैलेंजर है, घर से आपको करना है, कमेंट बॉक्स में बेटा अपना आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चे, बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, ये था आपका रोटेशन का फिनाले, सारे टॉपिक्स हमारे यहां पर होते हैं कवर। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।